जादुई तीन कब्रें। नितिन और श्रेया बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। उनकी 7 साल की बेटी गीता और 8 साल का बेटा पंकज है। चारों बाहर से घूमकर घर आए ही थे कि दोनों बच्चों को देखकर उनके दादा चंपक और दादी रेवती बोलते हैं, अरे मेरा पोता पोती आ गए, देखो रेवती मेरे जिगर के टुकड़े आ गए। दादा दादी हम आ गए, दादा दादी हम आ गए। लो और आते ही दादाजी के पास चले गए। अरे मैं भी तो हूँ, मुझे तो तुम दोनों भूल जाते हो, जाओ बात नहीं करती। रेवती नाराज होकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी दोनों बच्चे खुसुर फुसुर करके कहते हैं, गीता दादी तो नाराज हो गई, अब कैसे मनाए? वैसे ही पंकू, जैसे लास्ट बार मम्मी को मनाया था। अरे हाँ तो चले चल। इतना बोलकर वो अपनी दादी के आसपास घूमने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा अब मान जाओ, दादी मान जाओ ना। बच्चों को देखकर रेवती उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, भला मैं तुमसे कभी रूठ भी सकती हूँ क्या? मजाक कर रही थी। पर क्यों दादी? क्योंकि तुम सारा प्यार अपने दादाजी को ही लुटा देते हो, मेरा तो नंबर ही नहीं आता। ओहो दादी, ऐसा नहीं है, हम आप दोनों से बराबर प्यार करते हैं। पता है आपके बिना तो मन ही नहीं लगता हमारा, बहुत बोर हो रहे थे हम, इसीलिए मम्मी पापा से कहकर जल्दी घर आए हैं। दादी जी ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, छड़ी। हमें पता है कि आपकी कमर में दर्द होता है, इसीलिए आपके लिए लाए हैं। अच्छा अपने दादाजी के लिए भी कुछ नहीं लाए? अरे नहीं दादाजी, हम आपके लिए ये नया चश्मा लाए हैं, पुराना वाला टूट गया था ना। देखा रेवती, हमारे पोता पोती हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जी वो तो है। अरे माँ जी, मैं आपके लिए पापा जी के लिए गर्म शॉल लाई हूँ, देखिए तो सही है ना? हाँ बहुत सही है। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने बच्चों का मन पसंद गाजर का हलवा बनाया है, खाओगे ना बच्चे तुम? वाह गाजर का हलवा, ये दादी ने हमारे पसंद का गाजर का हलवा बनाया, दादी जल्दी दो ना। श्रेया बच्चों की बात सुनकर उन्हें गाजर का हलवा देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुबह के वक्त श्रेया मंदिर जा रही थी, तभी चंपक और रेवती कहते हैं, अरे बहू तू मंदिर जा रही है क्या? जी पापा जी। अच्छा तो बहू हमें भी लेकर चल, बड़े दिनों से हम दोनों ने माता के दर्शन नहीं किए, इसी बहाने तेरी सास के साथ मैं थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। अरे चंपक जी आप भी कैसी बातें करते हैं, कुछ तो शर्म कीजिए बहू के सामने। कोई बात नहीं, अब चलिए आरती का समय हो रहा है। गीता पंकज बेटा अपना ख्याल रखना, मैं दादा दादी के साथ मंदिर जा रही हूँ। ठीक है माँ। श्रेया जा ही रही होती है कि पति नितिन आवाज देकर कहते हैं, अरे श्रेया मेरे रुमाल कहाँ रखा है, लेकर आओ ना मुझे मिल नहीं रहा है। नितिन की बात सुनकर श्रेया उसे रुमाल निकाल कर दे देती है और अपने सास ससुर के साथ कार में बैठकर मंदिर जाने लगती है। तभी हाईवे पर एक बड़े ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें तीनों की मौत हो जाती है। बच्चों और नितिन को इस बात का गहरा सदमा लगता है। बच्चे अपनी माँ दादा दादी को बहुत याद करते हुए रोते हैं और कहते हैं, पंकु तो रो मत, याद है ना माँ ने हमसे क्या कहा था, ख्याल रखना है हमें। गीता दादा दादी और मम्मी की बहुत याद आ रही है, कैसे रहेंगे हम उनके बिना।
मैं हूँ ना, पापा है, हम दोनों तेरा ख्याल रखेंगे। गीता ये बोलकर पंकज के आंसू पोंछती है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। तीनों की याद आने पर वो नितिन को बहुत याद करते हैं। जैसे ही वो ऑफिस से आता है, बच्चे उनसे लिपट जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को झटक देता है। समय बीतता है, नितिन बच्चों की देखभाल करने के लिए दूसरी शादी करके शालू नाम की लड़की को घर ले आता है। शालू दोनों को माँ का प्यार देती है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका बेटा जन्म लेता है, जिसकी वजह से वो गीता और पंकज पर अब ध्यान नहीं देती और उनसे सौतेला व्यवहार करके उनसे घर का काम करवाती है, उन्हें खाना भी नहीं देती। नितिन इन सब से अनजान था। बच्चे दुखी होकर अपने दादा दादी और माँ की कब्र पर आते हैं। उन दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर तभी उन तीन कब्र में से एक तेज रोशनी आती है। बच्चे उन्हें देखते रहते हैं और उसकी माँ की कब्र से आवाज आती है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ? श्रेया की बात सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। श्रेया की तरह उनके दादा दादी भी उनसे बात करते हैं, फिर अपनी सारी परेशानी तीनों को बता देते हैं। तभी श्रेया की कब्र से बाहर एक हाथ निकलता है और वो हाथ पैसों से बना हुआ हाथ बन जाता है। फिर उस हाथ से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। बहुत सारे पैसे निकलने के बाद हाथ दोबारा कब्र में वापस चले जाता है। बच्चों, ये पैसे ले लो और जाकर कुछ खा लो, तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया ना इतने दिन से। ठीक है माँ। बच्चे माँ की बात सुनकर पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और अपने लिए कुछ खाने का लेकर खा लेते हैं। वहां से वो गुजरते हैं कि एक लड़की रोते हुए कहती है, अब क्या करूं? मेरी माँ ठीक कैसे होंगी? डॉक्टर ने 10 लाख इलाज के लिए मांगे हैं, कैसे दूं? बच्चे उनकी बात सुन लेते हैं। तभी पंकज कहता है, गीता, ये दीदी तो बहुत मुसीबत में है, जैसे माँ ने हमारी मदद की है, शायद दोबारा कर दे, चल माँ के पास चलते हैं। हाँ भैया चलो। ये बोलकर बच्चे दोबारा तीनों कब्रों पर पहुंच जाते हैं। जहां बीच में उसके दादा की कब्र थी, वहीं दोनों ओर एक दादी और दूसरी माँ की कब्र थी। बच्चे उन्हें अपनी बात बताते हैं, तभी उसके दादाजी के कब्र से एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ हीरे का हाथ बन जाता है, जो उसे 45 हीरे देते हैं। फिर दादी के कब्र से एक हाथ बाहर निकलता है, जो पहले एक सोने का हाथ बन जाता है और फिर वो उन्हें सोने का बहुत सारा खिलौना देती है। खिलौना और हीरा देने के बाद दादा दादी के हाथ दोबारा कब्र में वापस चले जाते हैं और वो कहते हैं, बच्चों ये लो, इन सोने के खिलौने और हीरों से उस लड़की की मदद कर दो। हम तो बचे नहीं, लेकिन उस लड़की की माँ तो बच जाएगी। हाँ बेटा, ये खिलौना उन्हें एक थैले में डालकर दे आओ, जिससे वो अपनी मदद कर लेंगी। ठीक है दादा दादी, हम अभी आते हैं। ठीक है दादा दादी, हम अभी आते हैं। बच्चों ध्यान से जाना, किसी को ये बात मत बताना। जी माँ। गीता और पंकज श्रेया की बात सुनकर उस लड़की के पास चले जाते हैं और देते हुए कहते हैं, दीदी आप रोइए मत, आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, आप ये बेच दीजिए, फिर जो पैसे आएंगे वो आप डॉक्टर अंकल को दे देना। पर तुम दोनों ने मेरी बात कब सुनी? और इतने सारे हीरे और सोना कहाँ से लाए? दीदी आप ये सब मत सोचो, आप जाकर पैसे डॉक्टर अंकल को दे दो। थैंक यू। लड़की ये बोलकर चली जाती है और उन हीरो और सोने के खिलौनों को सुनार को बेचकर डॉक्टर को पैसे दे देती है, जिसके बाद उसकी माँ का इलाज शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शालू बच्चे को अकेला छोड़कर सब्जी लेने चली जाती है। उसका बच्चा अकेला बहुत रोता है। गीता और पंकज बच्चे को चुप कराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। तभी गीता उसे छोड़कर जादुई तीन कब्र पर जाती है और बोलती है,
दादा दादी माँ, मुझे ना अपने छोटे भाई को चुप कराना है, कैसे करूं कुछ बताइए। गीता की बात से दादाजी हीरे और दादी जी सोने का खिलौना निकालते हैं। फिर गीता वो घर ले आती है और सोने का खिलौना उस बच्चे को दिखाकर खेलने लगती है। बच्चा सोने की चमक और हीरे की चमक को देखकर खेलने लगता है। वो चुप हो जाता है। कुछ देर बाद शालू वापस लौटती है तो देखती है कि गीता और पंकज उसके बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे हैं। उसे ऐसा देखकर शालू का दिल पिघलता है और बच्चों को गले से लगाकर बोलती है, बच्चों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें खाना नहीं दिया, तुमसे बहुत काम करवाया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, जैसे ये मेरा बेटा है वैसे ही तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं माँ। बच्चे शालू को अपनी माँ के रूप में गले लगा लेते हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और पंकज धीरे से गीता के कान में बोलता है, देखा गीता, सारा कमाल उन जादुई तीन कब्रों का है और अब हमें नई माँ बहुत प्यार कर रही है, तो हमें अब उन तीन जादुई माँ, दादी और दादा की कब्र से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।